जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर का एनालिसिस करेंगे। 15 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो फिफ्थ शिफ्ट है उसमें जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके तो मेमोरी बेस ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आए। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आए हम। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल नंबर पर अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ पे आयोजित होते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे आयोजित हो गया। आर एस प्री पेपर के आधार पर यहाँ पे स्कॉलरशिप आयोजित करवाई जाती है। 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है। 2 से 5 अगर आती है तो 50% स्कॉलरशिप जाएगी। 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन रैंक 6 to 100 आती है तो यहाँ पे 25% की स्कॉलरशिप आप। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस फीचर है, आप घर बैठ के आप लाइव सीख सकते हो। बिल्कुल ऐप है, अनलिमिटेड एक्सेस है सभी प्रकार के कोर्स का। इंडिया के टॉप एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस से आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। रेगुलर डाउट सेशन यहाँ पर, लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आंसर राइटिंग सेशन है, मेंटरशिप और गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों बेच कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो। फर्स्ट ग्रेड के लिए RS प्री मेंस की तैयारी फर्स्ट के लिए है, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वीडियो माइंस की अगर तैयारी करो, RPSC SI पटवारी एग्जाम, रीट के एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, यानी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करो तो अन अकेडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया। ऐप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोर्स को अनलॉक करने के लिए, अपना सब्सक्रिप्शन अनलॉक करने के लिए आपको हमारा कोड यूज़ करना होगा। कोड यूज़ करने पर आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी किसी भी प्रकार के कोर्स पर। तो हमारा कोड है अभी VIJ10, ये कोड आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिखा मिल जाएगा। तो जाइए अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए अन अकेडमी के साथ, करिए अपने सपनों का साकार, बढ़ाए अपने कदम मंजिल की ओर। हमारा कोड यूज़ करके किसी भी प्रकार के कोर्सेज पर आप 10% की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। बेच कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है और लाइव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और प्लस टेस्ट सीरीज यहाँ पर और फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पर सभी प्रकार के अवेलेबल है। तो जुड़िए अन अकेडमी के साथ, करिए अपने सपनों का साकार, बढ़ाए कदम अपने और मंजिल की ओर। तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस की जो 15 मई का फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हुआ है उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र दी कृष्ण मिल की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये ब्यावर के अंदर है, अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर के अंदर तो सेठ दामोदर द्वारा ये बनाई गई है 1889 के अंदर। BADP सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1985 से 1990 के बीच में है। तो यह 1986 से 1989 के यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर ये था। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 200 यहाँ पे सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 10 है शायद या 12 है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 10 हैं शायद, यहाँ तक जा सकते हैं। लोकसभा यहाँ पे 25 है। राजस्थान के NCR में शामिल जिले हैं, 2 जिले हैं, अलवर व भरतपुर। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लाहौर अधिवेशन है रावी तट नदी के तट पर हुआ है, 31 दिसंबर 1929 को। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में सबसे कम ST जनसंख्या, राजस्थान में सबसे कम ST जनसंख्या बीकानेर व नागौर के अंदर है। बालसमंद झील जालौर के अंदर है, दोस्तों बालसमंद झील। लोसर महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है, लोसर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम और सिक्किम। न्यूयॉर्क के टाइम इसको मनाया जाता है दोस्तों, न्यूयॉर्क के टाइम। ट्राइन का द्वितीय युद्ध है 1192 में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में है। राजस्थान की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है 24.9% है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 पूरे देश में लागू हुई। भारत की दक्षिण की गंगा है गोदावरी। अनुच्छेद 312 है, UPSC से संबंधित है। UPSC जो IAS के एग्ज़ाम करवाए देते थे, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम करवाए जाते थे UPSC से संबंधित है दोस्तों। अगला है तिलवाड़ा बाड़मेर से किस लोक देवता से संबंधित है, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है, तो मल्लीनाथ जी से संबंधित है यहाँ पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे जो जुड़े हुए फैक्ट है वो आपको यहाँ पे
अच्छे से तैयार कर रहे हैं। जैसे तिलवाड़ा का जो लोक देवता है वो किसे से संबंधित है, कौन से लोक देवता है, तो वहाँ पे मल्लीनाथ जी, तो वहाँ कौन सा मेला बढ़ता है, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ना है। कब ये भराया जाता है, ये सारी जानकारी आपको, इसके जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि जो है जो क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से क्लियर हो सके। राजस्थान का खुजराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी, राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे हैं, राजसमंद झील के किनारे। राजस्थान में उपयोगी भूमि का प्रतिशत 52.58% शायद अनुमानित है दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है। हेमरुग लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की। 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शासन किसने किया, गुर्जर प्रतिहार ने किया दोस्तों। जनघनत्व से आशय है, 1 किलोमीटर में जितने लोग, 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसका आशय जनघनत्व से है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, जनसंख्या के अंदर जयपुर है, छोटा सबसे जिला है धौलपुर है दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, ऐसा गढ़ दुर्ग जिसको चौहानों ने बनाया और मुगलों ने राज किया, तो यह है कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर है दोस्तों। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, सूरत संधि 1775, सूरत संधि है 1775, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का एग्जाम तो फेवरेट ही है बोर्ड के द्वारा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो उनका फेवरेट है। 13 अप्रैल 1919, अजीत सिंह का शासनकाल 1689 से लेकर 1724। अजीत सिंह का शासनकाल है 1679 से 1724 यहाँ पे है। गंगा नदी को बाल बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। हाईकोर्ट की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा, कोलायत झील के बारे में पूछा गया है दोस्तों, पर कुल कितने घाट है, 52 है, अंदर से यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, 52 घाट है। सिवाना का शाखा 1308, तामा उत्पादन में राजस्थान का स्थान सेकंड है। साधु सीताराम दास का संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता, कोविड की शुरुआत कब से हुई, 2019 से हुई थी, कोविड की जो शुरुआत है 2019 से हुई है दोस्तों। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 सुंदा माता जालौर के अंदर है। एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52 है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, भारतौलक से है। एशिया की सबसे बड़ी जस्ते की खान है देबारी की खान उदयपुर। गागरोन का युद्ध 1519, गागरोन का युद्ध 1519। जैव विविधता बोर्ड कौन से वर्ष लागू हुआ, 14 सितंबर 2010, 14 सितंबर 2010। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974, कब है दोस्तों, 1974। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से किससे है दोस्तों, ग्राम पंचायत। अगला यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, ट्रिटिकम एस्टिवम ऐसा करके कुछ नाम है इसका। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की है। भारत का सबसे पहला डिजिटल वाटर टैंक बेंगलोर। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी। मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया, 1985 में। टिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। 9 बीघा गलियारा नामक स्थान किससे संबंधित है, बांग्लादेश से। 9 बीघा गलियारा नामक स्थान किससे संबंधित है, ये बांग्लादेश से। तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करवाए हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट एनालिसिस जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस है दोस्तों, स्टूडेंट्स के द्वारा जो भेजे गए हैं उन्होंने के जो जो आप हमारे को भेजे हैं उसी के माध्यम से आपको आंसर बताया है, जिन जिन क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछा गया है
जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जल्दी इस चैनल पर आपको राजस्थान पुलिस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ जो हमारी टीम के द्वारा सर्वे करके तैयार की जाएगी, उसके बारे में आपको आपसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, किस शिफ्ट को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट को यहाँ नहीं मिलेगा, किस प्रकार यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार सभी प्रकार का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा किस शिफ्ट का पेपर हार्ड है या नहीं है। तो इस पेपर के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। कुछ अगर क्वेश्चन अगर आपको याद हैं तो आपको उन क्वेश्चनों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि अपने साथी भाइयों की यहाँ पे मदद हो सके। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर हमें गलत बता दिया गया तो उसका आंसर भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप जितने याद है आपको बता सको तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और उन साथ में उनका आंसर भी वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके साथी भाइयों को मदद मिल सके, उनके अपना एनालिसिस यहाँ पे अच्छे से कर सके। राजस्थान केंद्र ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।